वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस नॉ स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 8.4 स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग पहले बढ़ते हैं इफ़ द प्रजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज पी एंड इट इंक्रीजेड एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एना ठीक है किसी भी कहीं का भी पॉपुलेशन भी फिलहाल क्या है पी है हम लोग मान लिया और वो इंक्रीज कर रहा है आर परसेंट से तो कुछ साल बाद एन ईयर बाद वहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा ठीक है तो p इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर एन ठीक है अब पॉपुलेशन इन ईयर अगो यानी कुछ साल पहले एन का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा कुछ साल पहले कितना था तो p डिवाइडेड बाई वन अपन वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन ठीक है अब बोल रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज पी एंड इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर है द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर अब वो क्या करे कि पॉपुलेशन वहां का था इंक्रीज नहीं कर रहा है अब जो तो डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर क्या होगा पी इन टू वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर एन क्लियर है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या बोल रहे इफ द प्रजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन किसी चीज का मशीन हो आपका फ्रीज हो कोई बाइक हो या कुछ भी आप कुछ उसका वैल्यू क्या बोल रहे है रुपीज पी है एन डिप्रीशिएट एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एन एम अब उसका वैल्यू क्या है धीरे धीरे घट रहे देन इट्स वैल्यू आफ्टर एन ईयर ठीक है तो इसका वैल्यू क्या होगा एन ईयर के बाद तो पी क्या होगा पी इन टू वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर एन अब देखते हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन ठीक है एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर क्या दॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज टेन थाउजेंड किसी एक विलेज का पॉपुलेशन कितना है है द रेट ऑफ इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन इज फाइव परसेंट एनुअली वहां पे पांच परसेंट एनुअली वो इंक्रीज कर रहा है विल द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर टू इयर दो साल बाद उस गांव का पॉपुलेशन कितना होगा ठीक है तो प्रजेंट पॉपुलेशन कितना है टेन थाउजेंड रेट ऑफ इंक्रीजेस वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो फाइव परसेंट से तो पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर क्योंकि दो साल के बाद पूछ रहा है तो क्या होगा टेन थाउजेंड इन वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड तो आर का वैल्यू फाइव है अपॉन हंड्रेड टू पावर एन अब इसको हम सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मेरा ये आएगा पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टू ईयर यानी उस जो अब क्या था जो अभी दस हजार है तो दो साल बाद वो कितना हो जाएगा अलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट द लेंथ ऑफ अ इज थाउजेंड सेंटीमीटर एक सार्क है जिसका लेंथ कितना है थाउजेंड सेंटीमीटर एवरी ईयर द लेंथ ऑफ ग्रोस बाई टेन परसेंट ठीक है वो हमेशा हर साल कितना ग्रो कर रहा है टेन परसेंट उसका लेंथ का वाट विल बी द लेंथ ऑफ द सार्क आफ्टर थ्री ईयर तो उस सार्क का लेंथ तीन साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा तो प्रेजेंट लेंथ ऑफ अ सार्क इज इक्वल टू थाउजेंड सेंटीमीटर रेट ऑफ इंक्रीज इक्वल टू टेन परसेंट तो क्या पड़ेगा द लेंथ ऑफ सार्क आफ्टर थ्री ईयर क्या हो जाएगा वन थाउजेंड इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड आर का वैल्यू क्या 10 है टेन है इसलिए हम लोग टेन पुट किया डिवाइडेड बाई हंड्रेड और टू दावर थ्री यानी तीन साल बाद वन थाउजेंड सॉल्व करेंगे अलेवन अपॉइन टेन टू द पावर थ्री अलेवेन थाउजेंड अलेवन अपॉइंट टेन अलेवन अपॉइंट टेन अलेवन अपॉइंट टेन अलेवन इंटू अलेवन इंटू अलेवन करेंगे तो मेरा क्या आएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी वन अ थाउजेंड ठीक तो ये थाउजेंड ये थाउजेंड कैंसिल हो जाएगा मेरा क्या बचेगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी वन हिंस द लेंथ ऑफ द सार्क आफ्टर थ्री ईयर ठीक है वो तीन साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी वन सेंटीमीटर का हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखते हैं स्टूडेंट अ कार वॉज बाव थ्री ईयर्स अगो ठीक है एट अ प्राइस ऑफ सिक्सटी लैख इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज ट्वेंटी परसेंट पर ईयर फाइंड द परसेंट वैल्यू ऑफ द कार एक कार तीन साल पहले खरीदा गया जिसका उस वक्त का कॉस्ट था सिक्सटी लैख अब वो क्या कर रहा ट्वेंटी परसेंट पर ईयर उसका वैल्यू डिप्रीशिएट कर रहा तो बोला कि अभी उसका वैल्यू क्या होगा मतलब क्या मिलेगा तो हम बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ द कार थ्री ईयर अगो तीन साल पहले इसका कितना था सिक्सटी लैख रेट ऑफ रिप्रीशिएशन क्या है स्टूडेंट ट्वेंटी परसेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू होगा सिक्सटी लैख इन वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन क्योंकि तीन साल पहले हमको निकालना ठीक है ठीक है तीन साल वैल्यू था पहले था तब सिक्सटी लैख अब इसको सॉल्व करेंगे एटी अपॉन हंड्रेड ठीक है पावर थ्री सिक्सटी लैख एटी अपॉन हंड्रेड एटी अपॉन हंड्रेड एटी अपॉन हंड्रेड तो हम इसको सॉल्व किए स्टूडेंट क्या गया थर्टी लैख सेवेंटी टू थाउजेंड यानि तीन साल पहले उसका क्या वैल्यू था तीन साल पहले क्या इसका वैल्यू हो गया तीन साल पहले तो सिक्सटी था यानी अब तीन साल बाद अभी उसका जो वैल्यू है वो हो गया थर्टी लैख सेवेंटी टू थाउजेंड आज का उसका ये कॉस्ट है जो तीन साल पहले सिक्सटी लैख का था ठीक है तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे Thank you.